नेपोटिज्म बी टाउन का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अक्सर बहस तो देखने को मिलती है, लेकिन इस वर्ड का मतलब अक्सर स्टार्स अपने हिसाब से निकाल कर लोगों को समझाते नजर आते हैं। लेकिन ये एक ऐसी बहस बन चुका है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। स्टार किड्स को फिल्मों में मौका देना सही है या गलत, ये एक बड़ी बहस है। खैर, इस मुद्दे पर हाल ही में अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी के व्यूज ने एक बार फिर लोगों का ध्यान पर आकर्षित किया है। खास बात ये है कि सिद्धांत ने एक लाइन में इस वर्ड को जिस तरह डिस्क्राइब किया, उससे सभी की बोलती बंद हो गई। दरअसल अनन्या पांडे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो एक पॉपुलर न्यूज शो का है, जहां पर 2019 के कुछ न्यूकमर्स एक्टर्स को बुलाया गया था। इस शो में स्टार किड्स भी आए थे और आउटर्स भी। इस शो का हिस्सा अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी, विशाल जेठवा, अभिमन्यु दासनी, सलोनी बत्रा, गीतिका बैद जैसे न्यूकमर्स बने। शो के दौरान जब अनन्या से नेपोटिज्म पर सवाल किया गया, तो इसका जवाब देकर अनन्या अब ट्रोल हो रही है। वहीं अनन्या के जवाब पर दमदार रिएक्शन देकर सिद्धांत सबकी नजरों में छा गए हैं। अनन्या ने कहा, मैं इस बात को नहीं नकार सकती कि मैं चंकी पांडे की बेटी हूँ, लेकिन मेरे पिता ने कड़ी मेहनत की है। जब मेरी पहली फिल्म एक साल लेट हो गई थी, तब मेरे पिता ने मुझे बधाई नहीं दी थी, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ कुछ भी हो सकता है। मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर लूंगी। मेरे पिता ने कभी धर्मा फिल्म के साथ काम नहीं किया, उन्हें कभी कॉफी विद करण में नहीं बुलाया गया। सबकी अपनी जर्नी है, लेकिन अनन्या ने जैसे ही ये बात कही, उसी वक्त सिद्धांत ने कह दिया, सबकी अपनी जर्नी है, फर्क केवल इतना है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं, वहाँ इनकी स्ट्रगल शुरू होती है। सोशल मीडिया पर लोग अनन्या की बातों का मजाक उड़ा रहे हैं और सिद्धांत की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, मेरी जर्नी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि पिता को कभी कॉफी विद करण में नहीं बुलाया गया। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, अनन्या को लगता है कि उनके पिता को कॉफी विद करण में नहीं बुलाया गया, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है। उन स्ट्रगलिंग एक्टर्स की सोचिए जो दिन रात डायरेक्टर्स के चक्कर काटते हैं कि उन्हें 2 मिनट का अटेंशन मिल जाए। विक्टिम कार्ड खेलने की बजाय आपको इस बात को स्वीकारना चाहिए कि स्टार किड्स को विशेष अधिकार मिलते हैं। अनन्या के जवाब पर सिद्धांत ने जो लाइनें बोली, उससे सोशल मीडिया पर अब उनकी खूब तारीफ हो रही है। एक यूजर ने लिखा, जहां हमारे सपने पूरे होते हैं, वहीं उनकी स्ट्रगल शुरू होती है। वाह सिद्धांत वाह, क्या लाइन है, आपको पता है कि जिंदगी क्या है। एक और यूजर ने लिखा, वाह सिद्धांत, तुमने सच्चाई बयां कर दी। अनन्या पांडे शायद नेपोटिज्म के सवाल पर खुद को जस्टिफाई कर रही थी कि उन्हें मौका जरूर मिला है क्योंकि वो चंकी पांडे की बेटी है, लेकिन इंडस्ट्री में रहने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। वो यहाँ है तो अपनी मेहनत से। लेकिन सिद्धांत ने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि स्टार किड्स को मेहनत भले ही करनी पड़ती हो इंडस्ट्री में रहने के लिए, लेकिन उन्हें मौके आसानी से मिल जाते हैं और शायद आम लोगों की तुलना में ज्यादा मौके मिलते हैं, जबकि आम लोगों को इंडस्ट्री में आने के लिए मौके ही मुश्किल से मिलते हैं। HS News के लिए प्रीति राजपूत की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।